तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अदर फोटो एडिटिंग चैनल। तो सबसे पहले आपको लोग को हैप्पी नवरात्रि। तो इस स्पेशल फेस्टिवल पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ नवरात्रि स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो आपका ये फोटो कुछ इस तरह का आपको दिखने वाला है। तो अगर आपको इस फोटो के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना कुछ देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना एप्लीकेशन खोलना है पिक्सआर्ट। देन हमें एक PNG लेना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कुछ इस तरह का। देन आपको जाना है ऐड फोटो पर और एक आपको एक फ़ोटो ले लेना है जिसमें आपको मॉडल एक कुछ इस तरह से फ़ोटो को आपको क्लिक करवा लेना है। जैसे मैं देख रहा है, आप मेरा फोटो देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो बैकग्राउंड इरेज के लिए पहले इरेज ऊपर था, इरेज पर जाइए, देन इरेजर पर क्लिक करके इसे इरेज कर लीजिए। मैंने इसे इरेज कर लिया इसलिए मैं दूसरा इरेज ले लेता हूँ जिसमें बैकग्राउंड इरेज है। कुछ इस तरह से आपको मिल हो जाएगा। देन आपको इसे फिट कर लेना अच्छी तरह से, ऐसे मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से फिट कर लीजिए जहाँ आपका ये अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद जाइए एडजस्टमेंट में और देखिए मेरा जो फेस था वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपको कंट्रास्ट कम कर लेना है, सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेना है, ये सब जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही कर लीजिए। शैडो भी कम कर बढ़ा लीजिए, ब्राइटनेस भी, जैसे आपका मुँह भी हाईलाइट हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं कुछ भी इस तरह से चेंज हो गया है, पहले थोड़ा डल था अब ठीक हो चुका है। देन आपको ओके कर देना है। देन आपको जाना है ऐड फोटो पर। देन आपको एक और PNG मिलेगा जिसमें कलर उड़ रहा है कुछ इस तरह से। देन आपको इसे स्क्रीन के हिसाब से अच्छा करके और अपने फेस और अपने शर्ट से हटा लेना है, शर्ट मतलब क्लॉथ से कुछ इस तरह से आपको हटा लेना है, मतलब फेस वेस पर नहीं रखने देना है, नहीं तो आपका फ़ोटो जो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ इस तरह से आप अच्छी तरह से इरेज कर लीजिए। देन उसके बाद सेव कर लीजिए। देन ऐड फोटो पर जाइए और उसके बाद आपको एक और PNG मिलेगा तिलक और शुभ नवरात्रि का। तो पहले हम तिलक को लाते हैं। देन आपको जाना है ब्लेंड पे यानी इसे डार्केन पे कर देना है। देन आपके वहाँ पे फिट कर लेना है जहाँ आईब्रो किधर, देन इसे हो गया आपका फिट। देन ये शुभ नवरात्रि को आपको उसी तरह से ब्लेंड पे जाकर मल्टीप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से। देन आपको अपने फ़ोटो की अच्छी तरह से फिट कर लेना है, जहाँ पे भी आपको लगाना है उससे अच्छी तरह से फिट कर लीजिए आप। तो उसके बाद फिट करने के बाद कुछ आपका ऐसा कुछ फ़ोटो लगने लगेगा। देन हमें इसे ले जाना है लाइट रूम पर। देन उसके बाद अपने लाइट रूम में अपने फ़ोटो कर लीजिए ऑन। देन आपको क्लिक करना ऑटो पर, कुछ वो आपका एडजस्टमेंट कर देगा जो भी आपको इस फोटो पर चाहिए, थोड़ा आपका ब्राइटनेस बढ़ा देगा अपनी तरह से। देन आपको जाना है लाइट पर, एक्सपोजर अपनी तरह से रख लेना है। देन आपको जाना है कलर मिक्स पर और जो भी आप में इसमें कलर है जैसे रेड और ब्लू है उसे आपको और अच्छी तरह से निखार देना है। ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ उसे बढ़ा देना है, जैसे आपके फ़ोटो में अच्छा लगेगा आपको वैसे कर लेना है। देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ल्यूमिनेंस कम कर दे रहा है, बढ़ा देना है आपको जैसा अच्छा लग रहा है। देन आपको दिख रहा है बिफोर और आफ्टर। देन आपको जाना है इफ़ेक्ट पर और टेक्सचर थोड़ा कम कर लेना है, सॉरी टेक्सचर थोड़ा आपको ज़्यादा कर लेना है और क्लैरिटी कम कर लेना है। देन उसके बाद जाना है आपको विंटेज में और उसे थोड़ा माइनस में ले जाना है, -63 62 पे कुछ इस तरह से। आपको बिफोर और आफ्टर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये फ़ोटो। आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिख दीजिए। जय माता दी।